हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे 20 लीग के मुकाबले की जो कि खेला जाएगा डर्बन सुपर जायंट्स वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में डर्बन के किंग्समीट स्टेडियम के अंदर 30 जनवरी को रात के 9 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है जियो सिनेमा के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो पहले तो जो डर्बन की पिच थी ना, काफी तगड़ी थी बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जैसे अब लगातार मुकाबले होते जा रहे हैं, इस पिच पे बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो चुका है और यहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है। इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं डर्बन सुपर जायंट्स के बारे में, जिन्होंने अपने 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं और ये टीम टॉप ऑफ द टेबल चल रही है और इनका प्लेऑफ में जाना कंफर्म हो चुका है। एक तो इस के पास में ना चीट कोड है हेनरिक क्लासेन के रूप में। मतलब कोई इंसान हर मुकाबले के अंदर इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। पिछले मुकाबले के अंदर भी इन्होंने केवल 16 बॉल पे हाफ सेंचुरी मारी और गेम पूरा पलट दिया। स्पिनर्स को तो क्लासेन ऐसे मारते हैं ना जैसे वो गेंदबाजी नहीं है। इस मुकाबले के अंदर भी एक बहुत ही बड़े प्लेयर होंगे हेनरिक क्लासेन और मैथ्यू ब्रीड्स ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करी इस टीम के लिए। फिर एक बार इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी के ऊपर सभी की निगाह होने वाली है। फिर क्विंटन डिकॉक इस टीम के अंदर है, जेजे स्मर्ट्स इस टीम के अंदर है, टोनी डी जोर्जी है, मार्कस टॉइनिस है। तो बैटिंग में जो डर्बन है ना, मुझे काफी कमाल लगती है, लेकिन बैटिंग से ज्यादा इस टीम के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया है। इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। पिछले मुकाबले में नूर अहमद ने 5 विकेट निकाले थे इस टीम के लिए। फिर एक बार इस मुकाबले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं वो इस टीम के लिए, और कप्तान केशव महाराज ने भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी डर्बन के लिए। फिर एक बार इस मुकाबले के अंदर वो शानदार करना चाहेंगे और मार्कस टॉइनिस को गेंदबाजी रास आई ऐसे 20 लीग के अंदर। उनकी स्लो बॉल्स है ना, इस मुकाबले के अंदर भी वो कमाल कर सकती है। तो डर्बन की टीम बहुत शानदार खेल रही है और ये अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। इनके लिए ओपन कर सकते हैं टोनी डी जोर्जी और मैथ्यू ब्रीड्स के, नंबर 3 पे क्विंटन डिकॉक, नंबर 4 पे जॉन स्मर्ट्स, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासेन, नंबर 6 पे मार्कस टॉइनिस, नंबर 7 पे वियान मुल्डर, फिर केशव महाराज, नूर अहमद, रीस टॉपली और नवीन उलहक। तो ये टीम होने वाली डर्बन की और ये लोग अपने अच्छे फॉर्म को इस मुकाबले के अंदर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं प्रिटोरिया कैपिटल्स के बारे में, जिन्होंने केवल अपने 7 में से 2 मुकाबले जीते हैं और अब इस टीम को ना जीतना स्टार्ट करना पड़ेगा। केवल 3 मुकाबले बचे हैं लीग स्टेजेस के अंदर। ये इस टीम के लिए बहुत ही बड़े मुकाबले होने वाले हैं। अगर मैं इस टीम को पेपर के ऊपर देखता हूं ना, तो ये टीम मुझे बहुत ही शानदार लगती है, एटलीस्ट बल्लेबाजी के अंदर। विल जैक्स, फिलिप सॉल्ट, कॉलिन इंग्रम, राइली रूसो, ऐसे 4 बल्लेबाज होना किसी भी टीम के लिए ना बहुत ही बड़े एसेट की बात है, लेकिन आपको मैदान पे वो बल्लेबाजी दिखी नहीं है। विल जैक्स इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं और सबसे अच्छे गेंदबाज भी रहे हैं। जी हां, वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। विल जैक्स इस मुकाबले के अंदर भी कमाल करना चाहेंगे और काइली वेराइन ने भी 2 मुकाबलों में हाफ सेंचुरीज मारी, वो मुझे काफी डिसेंट लग रहे हैं। देखते हैं इस मुकाबले में वेराइन क्या करके दिखाएंगे। लेकिन राइली रूसो हो गए, कॉलिन इंग्रम हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, इनको इस बड़े मुकाबले के अंदर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत है इस टीम की गेंदबाजी। मैंने आपको बताया कि विल जैक्स इस टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इससे आपको भी दिमाग में लगा होगा कि भाई जब विल जैक्स हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो बाकी गेंदबाज कर क्या रहे हैं। वेन पानेल भी फ्लॉप रहे हैं, आदिल रशीद भी फ्लॉप रहे हैं। तो ये गेंदबाजी है ना, ये दिक्कत की बात है प्रिटोरिया के लिए। और अगर इन्होंने इस मुकाबले के अंदर खराब गेंदबाजी करी ना, तो डर्बन के जो बल्लेबाज है ना, इनको घुमा घुमा के मारने वाले हैं। तो गेंदबाजी इस मुकाबले में सुधारनी पड़ेगी प्रिटोरिया को। बल्लेबाजी काफी अच्छी है, ये इनके लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा। तो प्रिटोरिया के लिए ओपन कर सकते हैं विल जैक्स और फिलिप सॉल्ट, नंबर 3 पे काइल वराइन, नंबर 4 पे आपके आएंगे राइली रूसो, नंबर 5 पे कॉलिन इंग्रम, नंबर 6 के ऊपर आपके जिमी नीशम, नंबर 7 पे कॉर्बिन बॉश, फिर ईथन बॉश, वेन पार्नेल, डेरन डुपाविलोन और आदिल रशीद। तो ये टीम होने वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स की। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। देखो ऑब्वियसली बात है, पलड़ा भारी तो यहाँ पे डर्बन सुपर जायंट्स का रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इस तरह वीडियोज देखने के लिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।